गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाराज़ तो आप बहुत होंगे ना। दो तीन दिन से मैं आपके लिए कोई भी वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई नोट्स, ना ही SSR की तैयारी। दोस्तों, एक्चुअली में आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बैक टू बैक। दो दिन से मैं उन्हें इग्नोर कर रहा था कि आपको नहीं बताऊँ, सही हो जाऊँगा उसके बाद ही कुछ बोलूँगा। हुआ ये था कि मेरा जो हैंड है जिससे मैं आपके लिए नोट्स क्रिएट करता हूँ, वो हाथ मेरा जल चुका है। अब बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, काफ़ी फफोले पड़े हुए हैं, तो उस वजह से समझ लो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हुआ ये था कि नाइट के दौरान मैं आपके लिए नोट्स क्रिएट कर रहा था और चाय जैसे ही मैं बना करके लेके आया, चाय रखी हुई थी उसी टेबल के ऊपर और वो किसी गलती से मेरे हाथ के ऊपर, यानी जो हथेली होती है ना, हथेली के जस्ट ऊपर वाले साइड पर वो फैल गया था। तो चाय फैल जाने की वजह से वो काफ़ी जल गया है, काफ़ी सारी फफोले पड़ चुके हैं उसमें, बहुत दर्द हो रहा है। आपको मैं बताना तो नहीं चाहता था, इस वीडियो रिकॉर्ड करते समय काफ़ी बड़ा दुख हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, इसके लिए रियली बहुत बहुत सॉरी। सबसे आपकी याद बहुत आती है मुझे। सोच रहा था कि दो तीन दिन से बच्चों के लिए कोई नोट्स नहीं बनाया, ना ही कोई वीडियो शूट की, क्या सोच रहे होंगे। आपकी कमेंट भी रोज़ पढ़ता हूँ, जब भी आप कोई कमेंट करते हो तो पढ़ता हूँ। आप बहुत पूछ रहे थे कि सर राम सर बताओ क्या हुआ। तो हुआ यही है कि अब बहुत जल्दी जो है मैं इस हाथ को सही करा लूँगा, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन सही हो जाएगा। अब इशू ये हो रहा है कि अगर मेरा दूसरा हाथ जल गया होता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जिससे मैं नोट्स क्रिएट करता हूँ वो हाथ जला हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसे लिखने में। मैं ट्राई भी कर रहा था मोड़ने में लिखने की, लेकिन नहीं लिख पा रहा हूँ। तो अब या तो फिर मैं किसी अपने ही दोस्त की मदद लूँगा ताकि वो नोट्स बना सके, मैं बोल सकूँ और वो बना सके। तो इस काम में काफ़ी सारा वक्त लगता है, क्योंकि होता ये है ना कि हमारे माइंड में जो आता है हम वो लिख देते हैं, लेकिन अब दूसरे को बोलेंगे समझाएंगे तो बहुत वक्त लगता है। आप चिंता मत करना, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूँगा, मैं जल्दी ही सही हो जाऊँगा, आपको टाइम पर बैक टू बैक वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, आप सभी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं वीडियो को समझ लो रिकॉर्ड करना ही पड़ा। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी सही हो जाऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपके लिए अच्छी से अच्छी इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। जैसे ही सही हो जाऊँगा वैसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगा। अगर वीडियो प्रोवाइड बहुत जल्दी होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो नोट्स क्रिएट किए जा रहे हैं दूसरे पर्सन के द्वारा, जिनका नाम वीरेंद्र है, मेरे साथ ही नौकरी करते हैं। तो चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है, मैं सही हो जाऊँगा, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।